जोहार, नमस्कार। मैं हूँ सत्या कुमार और आज आप लोग को एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं जो हजारीबाग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और कदम से कदम मिलाए लोकसभा चुनाव में संजय मेहता के साथ में। और आज एक दो दिन हो रहा है जो आपका संजय मेहता जी ने अपना केंद्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा जारी किए हैं अपना सोशल मीडिया के माध्यम से। तो हम लोग जानना चाहते हैं, जो सबसे पहले आप लोग को परिचय करवाते हैं, हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हुए हैं मुकेश महतो जी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इन्होंने अपना जॉब छोड़ के 25 से 30 लाख का पैकेज अपना छोड़ के संजय मेहता के साथ में कदम से कदम मिलाए और चुनाव प्रचार किए। तो दादा जोहार हमारे चैनल में आपको। जोहार आपके दर्शकों को भी, मेरा क्रांतिकारी जोहार, झारखंडी जोहार। दादा अभी जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि संजय मेहता जी ने अपना उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो मुकेश जी आपको, आपसे हम जानना चाहते हैं, आप उनके साथ में चुनाव कैंपेनिंग किए पूरा 2 महीना, तो संजय मेहता ने पार्टी को क्यों छोड़ा, क्या कारण है? देखिए, जो उनके मैं मीडिया में बयान के को देख रहा हूँ, उन्होंने जो कहा कि पार्टी उन्हें शायद तवज्जो नहीं दे रही है, जो चीज़ें उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए होता वो नहीं मिल पा रहा है, वो एलिगेशन वो लगा रहे हैं। या ये बात अगर हम करें तो हो सकता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान से अगर एक द्वेष की भावना हो, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 1,57,000 वोट हजारीबाग के जनता ने दिया है, लोकसभा में चुनाव वोट मिले हैं, और अगर तो इस चीज़ में पूरे जनता की भावना को समझना होगा। किसी एक पार्टिकुलर पर्सन संगठन के किसी इंसान से अगर आपको ये कहाँ तक सच है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर कोई द्वेष की भावना आती है, किसी तरह का कुछ मनमुटाव आता है, तो आपको सिर्फ एक किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बातों को ध्यान में ना रखते हुए आप 1,57,000 जो जनता वोट दिए उसके भावनाओं को भी ख्याल रखना होगा। और जो जनता आपको इतना विश्वास के साथ आपके साथ खड़ी रही थी, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी उनके विश्वास के साथ खड़े रहना चाहिए। तो और एक चीज़ जैसे हम जानना चाहते हैं आपसे मुकेश जी, जैसे अब बता रहे हैं कि संजय मेहता जी, जयराम महतो जी हमारा फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, उनसे हमारा बातचीत नहीं हो पाती है, हमें सभी सभाओं में हमको इंसल्ट करने का काम कर रहे हैं, और अभी जैसे आप भी एक पार्टी के सदस्य हैं और आप मांडू विधानसभा से फॉर्म भी अप्लाई किए हैं, तो आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि जयराम महतो ने आपका फ़ोन रिसीव नहीं किया है या फिर आपको कभी रिप्लाई नहीं किए हैं, तो इस बात में कितना सच्चाई है, आप इस चीज़ को स्पष्ट करिए। जो फ़ोन कॉल की बात है, तो जब हम लोग लोकसभा का कैंपेनिंग कर रहे थे तो उस समय शेड्यूल बहुत बिजी था, तो उनको मजबूरन हमको लगता है दिन में फ़ोन ऑफ रखना होता था। लेकिन अगर आप आजकल के दिनों में देखें तो उनका, अगर आप फ़ोन कर रहे हैं तो अगर उनके हाथों में फ़ोन है, अगर अर्ली मॉर्निंग या तो नाइट में, तो वो डायरेक्ट रिसीव कर लेते हैं। अगर नहीं रिसीव कर पाते हैं तो बाद में कॉल बैक करते हैं, भले लेट किए, अगर सुबह में, अगर दोपहर में किए थे तो शाम को जब उनको टाइम मिला तो कॉल बैक करते हैं। ये चीज़ मैंने देखा है आजकल के दिनों में, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा बिजी थे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी हम, मुझे नहीं लगता है कम्युनिकेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई। तो मतलब संजय मेहता जो आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है, ये इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। तो और एक चीज़ जैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम लोग उन आपका उस क्षेत्र में हम लोग अपना दौरा किए, कुछ दिन पहले हम बरकट्ठा विधानसभा अपना दौरा करने के लिए गए थे, वहाँ के लोगों का मानना ये है कि संजय मेहता जी का मनीष जायसवाल के साथ में कहीं ना कहीं ताल्लुकात है, चुनाव के टाइम से ही है और उनसे बातचीत होता था और चुनाव के दरमियान में उसको फंडिंग किया गया है संजय मेहता जी को। आप इस बात को कितना मैंने गहराई से देख रहे हैं, इस बात में कितना सच्चाई है? देखिए, जो आप ये क्वेश्चन किए और जो पिछला क्वेश्चन था वो फ़ोन कॉल वाला, मैंने अपना सिचुएशन बताया कि फ़ोन कॉल मेरे, मैंने रिप्लाई हुए हैं, उनका व्यक्तिगत क्या सिचुएशन है मुझे पता नहीं। और ये जो आप बोले कि मनीष जायसवाल के साथ, ये उड़ती खबर मेरे कानों तक भी आई है और लोगों में चर्चा भी है, तो ये इस चीज़ का भी मतलब मुझे, मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन मीडिया में मैंने सुना है, लोग कह रहे हैं, अब ये कहाँ तक सच्चाई है, लेकिन अगर अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जनता के भावनाओं के साथ खेलने के बराबर हो जाएगा अगर ऐसा हुआ होगा तो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा हुआ होगा तो बहुत गलत होगा और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और रही बात
लोकसभा चुनाव की। तो लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि जो रामगढ़ हो गया, मांडू हो गया, बड़का गांव हो गया, हमने कैंपेनिंग बहुत टाइट करी है और उसके अकॉर्डिंग हमें वोट भी मिले हैं। और चुनावी प्रचार हमारे बरही में भी हुआ, सदर में भी हुआ, लेकिन सदर हम लोग लास्ट कर रहे थे और लास्ट दिन तक हम लोग कोशिश किए थे कवर करने का, बट सदर के कुछ पार्ट छूट गए थे। तो जो मुख्य रूप से वोट आए वो 3 विधानसभा से आए थे, मांडू, कौन कौन से विधानसभा से आए? मांडू, रामगढ़ एंड बड़का गांव विधानसभा। बरही, बरही से आपका नहीं आया, सदर से नहीं आया? हाँ, बरही और सदर से बहुत। अच्छा, अभी जैसे आप बता रहे हैं कि आपको इस चीज़ का जानकारी नहीं है, तो हम और एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि हम लोग को ये सुनने में आया था कि चुनाव के दरमियान में आप अपना जो आपका कोई गाड़ी है उनके साथ में पूरा आप दौड़ाए, और चुनाव से पहले संजय मेहता के पास में एक अल्टो कार भी नहीं था, और चुनाव हारने के बाद में उसके पास में अभी सुन रहे हैं कि स्कॉर्पियो है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो थार के लिए भी ऑर्डर करने के लिए गए थे शोरूम में, और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी है कुछ लोगों के पास में। तो भाई, अगर उनके पास में चुनाव के टाइम में अगर गाड़ी लेना था तो उनसे पहले लेते, चुनाव हारने के बाद में नहीं लेते। और अगर उनको मनीष जायसवाल से अगर नहीं है संबंध, नहीं है उनसे ताल्लुकात नहीं है, तो फिर वो पैसा कहाँ से आया गाड़ी लेने का? और सुनने में आया है कि आप अपना जो जमा पूंजी है आप कम से कम 8 से 10 लाख रुपए खर्च किए हैं, मतलब ये हवा हम लोग को मिल रहा है, दूसरों के माध्यम से सुनने को मिल रहा है, तो इस बात में कितना सच्चाई है सो बताइए। देखिए, लोकसभा चुनाव में, देखिए मैं अगर बोलिएगा आप JBKSS अगर मैं ज्वाइन किया हूँ, तो JBKSS में मुझे ज्वाइन करने का रीजन रहे हैं टाइगर जयराम महतो, जो उनका जो कहिएगा ना कि उदय से लेके संघर्ष से लेके उनके मतलब प्रचलित होने तक की जो सफर है और उनके फेमस होने तक का सफर को मैंने बहुत करीबी से देखा है, उनके संघर्ष को बहुत करीबी से देखा है, जो और उनकी विचारधारा ने मुझे बहुत इम्प्रेस की है। तो मैं उनके विचारधारा से JBKSS को ज्वाइन किया था, और जब उन्होंने प्रत्याशी दिए हजारीबाग लोकसभा के लिए संजय मेहता जी, तो बस मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, चाहे मुझे हमारे हजारीबाग लोकसभा के लिए प्रत्याशी संजय मेहता होते या मोतीलाल महतो होते या फरजान खान होते, कोई भी कैंडिडेट हमें मिलता तो हम उतने ही जी जान से काम करते जितना जी जान से हमने संजय जी के लिए काम किया है। और हम लोगों ने, मैंने तन मन धन से जितना हो सका हमने कोशिश किया, चाहे गाड़ी से या जिस तरीके से, तो मैंने जो अगर खर्च बोलिएगा तो आप बोलिए तो एक संगठन के लिए मैंने मतलब बोलिएगा तो हाँ उतनी खर्च हो गई है, 8 से 10 लाख के अप्रोक्स खर्च हो गई है संगठन के लिए। और रही बात अगर इतना होने के बाद अगर इतना एफर्ट डाल रहे हैं कि लोग, मैंने इतना एफर्ट डाला और पूरे 55 से 60 दिन तक कैंपेनिंग की, बस 2-3 दिन के लिए मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मेरे ससुर जी का डेथ हो गया था, वो ICU में कोलकाता में भर्ती थे, उसके कारण मैं नहीं 2-3 दिन का कैंपेनिंग, 2 दिन का कैंपेनिंग मेरे से मुझसे छूटा है 3 दिन का, और बाकी 55 से 60 दिन पूरे 5 विधानसभा का मैंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले पूरे प्रखंड प्रखंड से पंचायत पंचायत मैंने चुनावी प्रचार किया है। तो ये मुद्दा बनता है और जनता इससे नाराज होगी, और ये क्वेश्चन बनता है कि अगर चुनाव के समय में हम फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल कर रहे थे, चाहे झंडा बैनर या किसी भी तरीके से, मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने अपने बच्चे के लिए बिस्किट नहीं खरीदे, चॉकलेट्स नहीं खरीदे, बट उन्होंने अपने गाड़ियों में पेट्रोल डाला है, झंडे बनवाए हैं और चुनावी रैलियों में वो घूमे हैं, तो इतना सेक्रीफाइस किए हैं, तो उनका अंजाम कुछ अच्छा होना चाहिए। आज जनता क्वेश्चन इसीलिए कर रही है कि अगर हम इतने अभाव में हमें चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव खत्म होने के बाद अगर नई गाड़ी आ गई, तो इस कारण हो सकता है कि जनता सोच रही है कि चुनाव के समय में शायद उस जो पैसा अभी यूज हुआ, अगर उस समय क्यों नहीं यूज हुआ, अगर वो जनता का पैसा था या फिर उनको मनीष जायसवाल उनको फंडिंग किया, उस पैसा से उन्होंने गाड़ी लिया। हाँ, इसीलिए लोग जनता क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये गाड़ी आखिर आया कहाँ। उससे पहले अगर आपके पास जब चुनाव के टाइम हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस समय पैसा था ही नहीं, या तो पैसा था तो क्यों नहीं खर्च किए, लेकिन अगर चुनाव के बाद न्यू गाड़ी कैसे आई, तो ये क्वेश्चन बनता है और जनता इससे नाराज है कि जनता ने इतना एफर्ट डाला और अगर इस तरह से अगर देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए क्वेश्चन कर रही जनता। क्योंकि देखिए, JBKSS हो चाहे JLKM, जो अभी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ पार्टी का, ये गरीब गरीब पार्टी है, पढ़े लिखे युवाओं की पार्टी है, और युवा लोग ही अगर जनता के साथ में अगर छल करना चालू मैंने कर देते हैं, तो जनता भरोसा किस पर करेगी। और रही बात अगर आप ये संजय मेहता जी का जो बात आप कर रहे हैं, संजय मेहता जी, हम लोगों का कहना है कि वो मनीष जायसवाल के साथ में 100% उसका मतलब जो है सेटिंग गेटिंग था, क्योंकि उनका
का जितना भी वोट जो आया है, आप जैसे आप बताएं, आपका मांडू हो गया, रामगढ़ हो गया, बड़का गांव हो गया, उनका अपना विधानसभा में हम लोग एक रिपोर्ट देखें उसमें अपना बूथ में उसका मात्र 35 वोट है और उस विधानसभा से मात्र जो है 8,000 वोट है। तो क्या मैंने ऐसा नहीं हो सकता है कि वो सिर्फ मैंने कुर्मी क्षेत्रों को उन्हें टारगेट करके प्रचार प्रसार किया और उन्हीं क्षेत्रों में उनका ज़्यादा वोट आया है, बाकी उनके समुदाय के लोग ही उनको वोट नहीं दिए जिस समुदाय से संजय मेहता जी बिलोंग करते हैं, तो इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जो ये सच है, और एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर, मैं पेशे से एक सीनियर इंजीनियर हूँ और एक पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते मैंने कभी देखा ही नहीं कि कैंडिडेट किस कास्ट का हो, किस जाति का हो, किस रिलीजन का। हमें मेहता जी जब हमें एज अ कैंडिडेट मिले तो हमने कभी नहीं देखा कि कुर्मी कास्ट का नेता रहता तभी हम उनको सपोर्ट करते। तो हमने जाति से ऊपर उठकर संगठन को तवज्जो दिया और जितना एफर्ट डाल सकते थे उतना एफर्ट हम लोगों ने डाला कि सीट को कैसे भी जीता जाए। लेकिन जो वोट आए हैं, मैक्सिमम जो कुर्मी बहुल क्षेत्र से वोट आए हैं, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। तो ये कैंपेन को टारगेटेड कैंपेन कहिए या तो हम लोगों ने कोशिश करा था कि आखिर जहाँ से वोट मिल सकते हैं वहाँ कोशिश की जाए, और अगर जहाँ से हमें कोशिश करने के बाद भी वोट नहीं मिल सकती है तो वहाँ शायद कम टाइम दिया जाए, तो ये मानसिकता रह सकती है। लेकिन ये तीन विधानसभा में ज़्यादा वोट आई है और ये सदर और बरही से थोड़ा सा कम वोट आए हैं, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। नहीं, अभी जैसे उनके समुदाय के लोग ही उनको मान सम्मान नहीं दिए, और रही बात, देखिए संजय मेहता जी इनसे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, पहले आम आदमी पार्टी में भी थे और उसके बाद वो पार्टी छोड़ के JBKSS ज्वाइन किए थे। अभी हम लोग को मतलब किन्हीं के माध्यम से सुनने को मिला है कि वो अभी तक पहले चुनाव में एक बार 700 वोट लाए थे, मैंने 1200 पार भी नहीं किए थे, और JBKSS ने उसको जो मान सम्मान दिया, जो 1.5 लाख वोट लाए, तो वो अपने दम पे लाए या उसको जयराम मातो के वजह से उनको वो वोट मिला? देखिए, जो वोट आए हैं इसको आप अगर सच में देखिएगा तो जो वोट आए हैं टाइगर जयराम मातो जी का इन्फ्लुएंस है इसमें, नो डाउट, और मैक्सिमम वोट जो आए हैं उनके कारण ही आए हैं। बट चुनावी कैंपेन में हजारीबाग लोकसभा के लोग भी, जो हमारा कैडर हैं, जो JBKSS के लोगों ने भी एफर्ट डाला है और वोट आए, लेकिन जो ज़्यादातर जो वोट आए हैं आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम अगर 157,000 वोट आए हैं तो जो वोट आए हैं मैक्सिमम वो टाइगर जयराम महतो जी के इन्फ्लुएंस से ही आए हैं। कैंडिडेट हमें अच्छे मिले थे, पढ़े लिखे कैंडिडेट मिले थे और लोगों ने उन पर विश्वास किया और बहुत उन्होंने बहुत एफर्ट डाला उस मतलब वोट के लिए। लेकिन जो आप बोलिएगा कि टाइगर जयराम महतो जी का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा रोल अदा किया है उस लोकसभा में, और विधानसभा में भी मतलब टाइगर जयराम महतो जी का इम्पैक्ट रहेगा और बहुत अच्छा ही रिजल्ट आएगा। अच्छा, और एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं कि कभी जैसे चुनाव के दरमियान में जब आप लोग कैंपेनिंग कर रहे थे, कभी भी आप लोग को ऐसा कभी आभास हुआ होगा जो मैंने संजय मेहता आगे चल के इस तरह का कदम उठा सकते हैं, पार्टी का अपना रिजाइन दे सकते हैं, कभी भी ऐसा आभास हुआ होगा आप लोग को मैंने संजय मेहता के हाव भाव से, या फिर जैसे मनीष जायसवाल वाला मामला हो या फिर अन्य कोई भी दल से उनका बातचीत होती होगी ऐसा? देखिए, अगर बोलिएगा कि हाव भाव से तो अगर कहिएगा आभास तो, हुआ होगा कभी आप लोग को ऐसा? देखिए, अगर वो एक जो उनको लोकप्रियता मिली है लोग JBKSS में और या तो जो लोकसभा के ड्यूरेशन में जब उनको एज अ कैंडिडेट घोषित किया हजारीबाग लोकसभा के लिए, तो एक अच्छे वक्ता हैं, वो एक बहुत अच्छे ही वक्ता है, नॉलेजेबल इंसान है, और उनको जो लोकप्रियता मिली इसके कारण दूसरी पार्टियों की नज़र उन पर पड़ी है, ये इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। दूसरे पार्टियों की नज़र पड़ी है उन पे और हर पार्टी वाले चाहते हैं कि एक अच्छे कैंडिडेट को अपने साइड को खींच सकें तो बहुत अच्छी बात है, और ये हो सकता है, इसमें आशंका जताई जा सकती है। और बहुत बार तो कैंपेनिंग के दौरान भी मतलब लोगों ने कहा डायरेक्ट कि हमारे आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं, तो एक आशंका जताई जा सकती है। मतलब विभिन्न पार्टियों से उनको निमंत्रण दिया जा रहा था कि मतलब आइए, स्वागत है हमारे पार्टी में, और पहले भी वो आम आदमी पार्टी में ही थे, उन्हें छोड़ के आए थे यहाँ पे, तो ये मैंने चुनाव के टाइम से ही तो गाड़ी में आप लोग कभी मैंने दौरा करते थे, गाड़ी में कभी डिस्कस होता था होगा? मैंने देखिए, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं तो वो एक अलग माहौल होता है, गाड़ी में एक अलग माहौल होता है, दोस्ताना टाइप का माहौल होता है और प्राइवेसी मैंने डिस्कशन होती है कार में, तो ऐसा कभी आपने कभी गौर किया होगा, वैसा महसूस किया होगा उनके बातों में, या फिर उनके साथ में जो रहते हैं घूमते फिरते हैं वो लोग कभी इस बात को रखे होंगे?
गाड़ी में वैसा कभी मतलब एहसास हुआ नहीं, लेकिन बहुत बार लोगों ने मतलब कहा सीधा कि नहीं मतलब आप आपका हमारे अगर आप इच्छुक हैं या तो जो हैं आप, जैसे मतलब उनकी लोकप्रियता बढ़ी या लोग देख रहे हैं कि अच्छे वक्ता हैं, उन्हें मतलब लोगों ने कहा है बहुत बार कि नहीं आप आइए, आपको हमारी पार्टी में स्वागत है, ऐसा मैंने देखा है, बहुत लोगों ने उनसे कहा है। मतलब उनको विभिन्न पार्टियों द्वारा ऑफर किया जा रहा था, और अभी मैंने ये जो गाड़ी लिया है आपका स्कॉर्पियो एन लिए हैं, तो इसमें सच्चाई जाहिर होती है कि भाई चुनाव लड़ने के लिए आपके पास में पैसा नहीं था, चंदा आपके लिए लोग मांग रहे थे, और हम लोग खुद सोशल मीडिया के माध्यम से आपको भी हम लोग वॉच कर रहे थे कि आप लोग घर घर में आप लोग झोली फैला के चंदा ले रहे थे 10-20 रुपया करके। तो उस टाइम में आपके पास में चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, और चुनाव हारने के बाद में आपके पास में कार आ जाती है, तो क्या संजय मेहता हम ये मान सकते हैं कि वो चुनाव हारने के लिए चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का? चुनाव में तो उन्होंने एफर्ट डाला है और मैंने भी जी जान से डाला था, बट मुझे ही नहीं पता था कि हम जिस सफर और सपने को देख लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो समय इस तरह से आएगा कि एक समय आएगा जब पार्टी को लगेगा कि नहीं अब इस तरह से लोग टूट के साइड हो रहे हैं। क्योंकि मेरा कहना है ये चीज़ की जनता अगर ये विश्वास की है तो ये विधानसभा का चुनाव है, ये पहला विधानसभा जेबीके से चुनाव लड़ने जा रही है, तो अगर ये डिसीजन लेना ही था तो विधानसभा चुनाव के बाद भी लिया जा सकता था। अगर आप पार्टी और संगठन के लिए अच्छा सोच रहे हैं तब, अगर आप अपना व्यक्तिगत अगर देखेंगे कि लालसा जो होता है, अगर व्यक्तिगत लालसा से अगर ऊपर आप संगठन के बारे में सोच सकते हैं तो ये विधानसभा के बाद भी ये डिसीजन लिया जा सकता था जी। तो और एक चीज़ जैसे हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे देखिए आपने संजय मेहता के लिए जितना किया, अपना आपका ससुर जी एक्सपायर कर गए, आप उसमें जा नहीं पाए, दिन रात एकदम एक कर दिए, घर परिवार को छोड़ दिए, और संजय मेहता जी ने आपका समझिए आपके अरमान को ठेस पहुंचाया, और जो जनता उस पर भरोसा की वो जनता का भरोसा को भी उन्होंने तोड़ दिया। तो आपके तरफ से, मुकेश महतो की तरफ से संजय मेहता का क्या संदेश रहेगा, ये आखिरी सवाल है हमारा आपसे। संजय जी अगर आप बोलिएगा तो हमें शुरू में ही कहा कि एक काबिल इंसान है और एक मतलब पार्टी के लिए उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, और मैं चाहूँगा कि जनता जितना विश्वास उन पर जताई है उनको उनके विश्वास पे खरा उतरना चाहिए, और उनको शुभकामनाएं हैं जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं, लेकिन जेबीकेसेस उनको हमेशा स्वागत करेगी उनके निर्णय का, और उनके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं, ये उनका अपना व्यक्तिगत डिसीजन है, और उनका क्या कहें कि उनके लिए जो अपना सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती है, सबकी अपनी मनोभावना रहती है, उनकी क्या सोचकर उन्होंने ये डिसीजन लिया है, मैं उनके डिसीजन को का सम्मान करता हूँ। क्या संजय मेहता जेबीकेसेस छोड़ने से क्या जेबीकेसेस को कोई प्रभाव पड़ सकता है? ये तो अब इन शॉर्ट टाइम में इस चीज़ को कैसे मैं बताऊं कि प्रभाव अगर बोलिएगा तो उनका छवि जो रहा है, नो डाउट लोकसभा के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, तो जो चीज़ें हैं मैक्सिमम जो चीज़ें आप बोल रहे हैं कि अब लोकसभा में भी वोट टाइगर जयराम महतो जी के कारण ही आया है। तो मुकेश जी हमारा और एक सवाल है आपसे, क्या अब संजय मेहता जी जेबीकेसेस को छोड़ने के बाद में क्या जेबीकेसेस में कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए उनके उनके छोड़ने से आप लोकसभा को ही देख लीजिए, ठीक है, लोकसभा में भी देखिए कैंडिडेट का वोट होता है थोड़ा बहुत मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो जेबीकेसेस का जो मेन कैंपेनिंग जो ड्राइव किया जा रहा था वो कैंपेन अगर आप देखिएगा तो टाइगर जयराम महतो जी के नाम पे ही वोट मांगे जा रहे थे, मैक्सिमम हर जगह उनके चेहरा को यूज किया गया ही है, उनको भले कैंडिडेट भले आठों लोकसभा में अलग अलग कैंडिडेट रहे हैं उनकी भी अपनी कैंडिडेट वोट रही है, लेकिन टाइगर जयराम महतो जी के चेहरा को भी एक्सपोज किया गया है क्योंकि मेन चेहरा के टाइगर जयराम महतो जी को ही लेके पूरा कैंपेनिंग किया गया था, लोकसभा का भी और विधानसभा में भी यही होने वाला है कि जो मुख्य चेहरा के रूप में टाइगर जयराम महतो ही रहेंगे,
लोगों का अपना एक पर्सनल कैंडिडेट वोट होंगे, लेकिन हमको लगता है कि मुख्यतः टाइगर जयराम महतो के कारण ही जो लोग हैं उनकी विचारधारा से ही जुड़ रहे हैं और उनसे प्रभावित होकर, जैसे कि मोदी हैं, मोदी जी को देख के आप लोग उनके बीजेपी के साथ जाते हैं, तो टाइगर जयराम महतो को ही देख के लोग JBKCS के साथ जुड़ते हैं। नो डाउट कैंडिडेट का अपना एक वोट होता है, वो थोड़ा बहुत रहता ही अपना कैंडिडेट वोट, लेकिन मुख्यतः टाइगर जयराम महतो जी के को ही देख के लोग JBKCS से जुड़े हैं और उनके साथ खड़े हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। तो आज हम लोग मुकेश जी से संजय मेहता के बारे में जो बातचीत हुई, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए आप सभी को जोहार, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। नमस्कार आप सभी को।